रूस कब्जा नहीं करेगा यूक्रेन पे, परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा यूक्रेन को, इस तरह की तमाम चीजें सामने आई है। युद्ध की परिस्थिति है और ऐसे में तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां युद्ध की परिस्थिति देखने को मिल रही है यूक्रेन में। यहां पे हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि यहां पे एक टैंक है और इसके पास एक सैनिक है, ये सैनिक रूस का बताया जा रहा है और इसके ऊपर फायरिंग करी गई है यूक्रेन की सेना द्वारा, फायरिंग करी गई है। युद्ध की परिस्थिति है, अभी तक कुछ देखने को मिल रहा था कि रूस की तरफ से ही हमला किया जा रहा था और अब बचाव में यूक्रेन भी आ गया है, अपने बचाव के लिए युद्ध पूरी तौर से देखने को मिल रहा है। जहां कीव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां पे रूसी सैनिक घुस गए हैं, घुसपैठ हो चुकी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि ये एक रूसी सैनिक है जिसके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, गोलियों की बौछार करी गई और उसका खात्मा किया गया। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये कीव से है और ये दिखाई दे रहा है इसमें कि रूसी टैंक घुस रहे हैं कीव में, यूक्रेन की राजधानी में घुसपैठ की जा रही है, रूसी टैंक घुसते हुए इसमें नजर आ रहे हैं, घुसपैठ करी जा रही है। और भावुक बयान भी सामने आया है यूक्रेन के राष्ट्रपति का, तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे रूसी सैनिक है जिसके ऊपर हमला किया गया है यूक्रेन के सैनिकों द्वारा, गोलियों से भून दिया गया है। और दूसरी तस्वीर जो आपने देखी यूक्रेन की राजधानी कीव से है, जहाँ पे भारी भरकम टैंक शहर में घुस रहे हैं और शहर में घुसने हुए ये तस्वीरें सामने आ रही है। दो बड़ी तस्वीरें कीव से सामने आ रही है। यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब है, युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध छिड़ा हुआ है, कई लोग डरे सहमे हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, घर एकदम खंडहर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वहां पे हमला हो रहा है, मिसाइलों द्वारा हमला किया जा रहा है, तस्वीरें डराने वाली हैं। महीनों से चले आ रहे तनाव के बाद आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अब इसका जवाब यूक्रेन भी दे रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं ये एक रूसी सैनिक है जिसके ऊपर हमला किया है यूक्रेन के सैनिकों द्वारा, गोलियों से भून दिया गया है। तस्वीर देख सकते हैं आप टैंक पे किस तरह से गोली लग रही है और ये गोलियों में इस सैनिक को भी भून दिया गया है। गुरुवार को हमला कर दिया गया था रूस द्वारा यूक्रेन पर, रूस के लड़ाकू विमान और मिसाइल ने यूक्रेन के अंदर घुसकर भारी तबाही मचाई, कई लोगों की भी मौत हुई। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी भरकम टैंक घुस रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में, दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन से। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो कि डराने वाली हैं और लगातार बमबारी हो रही है, आसमानों की जो तस्वीरें आतिशबाजी की तरह सामने आ रही हैं वो एक बेहद ही डरावना मंजर है, डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त यूक्रेन में हालात बेहद खराब है, वहीं बाकी के जो देश है दुनिया की नजर इस वक्त इस युद्ध पे है, क्योंकि ये युद्ध काफी अहम माना जा रहा है। जहां यूक्रेन मदद की गुहार लगा रहा था, भारत की तरफ भी मदद भरी निगाहों से देखा यूक्रेन ने, और अब जिस तरह से सभी देशों की तरफ मदद की अपील करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है, तो वहीं भावुक बयान भी सामने आया है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। वहीं बात करी जाए सुरक्षा परिषद के साथ जो बैठक हुई, व्लादिमीर पुतिन ने जो बैठक करी है रूस के राष्ट्रपति ने, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, नागरिकों को ढाल बना रहा है यूक्रेन, रूस कब्जा नहीं करेगा यूक्रेन पर। तो आखिर इन हमलों की वजह क्या है, किन वजह से ये हमले करे गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है, चिंता का विषय है, क्योंकि कई दिनों से ये उठापटक देखने को मिल रही थी, चेतावनियों का दौर देखने को मिल रहा था, आखिरकार गुरुवार को हमला कर दिया गया और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोनों तरफ से, अब दो तरफा युद्ध देखने को मिल रहा है, पहले एक तरफा युद्ध था, युद्ध टालने की पूरी कोशिश की गई और बीते दिन भारत ने भी समझाने का पूरा प्रयास किया रूस को, शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि ये जो युद्ध है इसे वर्ल्ड वॉर 3 माना जा रहा है, अगर ये युद्ध शांत ना हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, इसका असर पूरी देश दुनिया पे पड़ेगा। तस्वीरें देख सकते हैं आप,
स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भी यूक्रेन से ही सामने आ रही है और ये एक रूसी टैंक है जो कि आम आदमी के ऊपर चढ़ा देता है। ये एक बड़ी और दर्दनाक तस्वीर निकल के सामने आई है, एक दिल दहला देने वाली खूंखार तस्वीर है जहां पे रूसी टैंक द्वारा, तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये एक रूसी टैंक है और एक परिवार इस गाड़ी में था जिसे रौंदते हुए ये टैंक चला गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, आम नागरिकों पे भी रूसी सेना का ये दर्दनाक, ये जो दिल दहलाने वाला मंजर है, ये जो क्रूर रवैया है साफ देखने को मिल रहा है, क्रूर रवैया देखने को मिल रहा है रूस का, रूसी सैनिकों का। टैंक आता है, सीधे रोड पर चल रहा होता है, वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें एक दंपत्ति होते हैं और उनको रौंदते हुए चला जाता है। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पे ये एक रूसी सैनिक है और ये अपने आप को बचा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये अकेला पड़ गया है। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रूसी टैंक की जो कि जाती हुई गाड़ी को रौंद देता है और कुचल के मार देता है परिवार को, जो भी इस गाड़ी में परिवार था। इस वक्त से दर्दनाक माहौल है और दर्दनाक इसलिए है क्योंकि लोग, जो इस वक्त का माहौल है यूक्रेन का, और यूक्रेन का माहौल इस वक्त काफी डरावना भयावह है, हर तरफ दहशत का माहौल है। लोग जगह छोड़कर दूसरी जगह और सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में है, सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें यूक्रेन से निकल के सामने आ रही है वो बता रही है कि घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि घरों में रहना भी सुरक्षित नहीं है, कब कौन सी मिसाइल किसके घर को निशाना बना ले ये कहना मुश्किल है, लेकिन सड़कों पे निकलते हुए भी लोग काफी डर रहे। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही बता रही है कि सड़कों पे निकलना बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है, यूक्रेन के सैनिकों को पुतिन की सलाह, सत्ता को सेना हाथ में ले पुतिन ने कहा। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया, यूक्रेन के सैनिकों को पुतिन की सलाह, सत्ता को सेना हाथ में ले, पुतिन का बड़ा बयान आया सामने, बड़ी सलाह देते हुए नजर आए हैं पुतिन। तो दो तरफा बयान सामने आ रहा है व्लादिमीर पुतिन का, जहां एक तरफ कह रहे थे कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, सत्ता काबिज नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सैनिकों को सलाह देते हुए नजर आए हैं, सत्ता यूक्रेन की सेना को ये बड़ा बयान, बड़ी सलाह देते हुए नजर आए हैं व्लादिमीर पुतिन। सत्ता हाथ में लेने की बात कही है, जहां सेना को ताकत बढ़ाने की बात कही है, वही अभी भावुक बयान भी सामने आया था। कहीं ना कहीं इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति से नाराज है, वो देश पर हमला नहीं करना चाह रहे है। और सुरक्षा परिषद में भी उन्होंने ये बात कही है कि यूक्रेन जनता को ढाल बना रहा है, हम हमला नहीं करना चाहते हैं, हम वहां पे कब्जा नहीं करना चाहते। और अब एक और जो बयान सामने आया है, यूक्रेन के सैनिकों को पुतिन ने सलाह दी है, रूस की तरफ से ये सलाह दी गई है कि सत्ता को हाथ में ले। तो आखिर ये हमला किस लिए किया जा रहा है रूस की तरफ से? सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों को कहा है कि सत्ता को अपने हाथ में ले। पुतिन ने बड़ी सलाह दी है, अपने सैनिकों को भी भेज दिया है यूक्रेन में, वहां पे बड़ी घुसपैठ हो रही है। तो आखिर चाहते क्या है पुतिन? ये बड़ा बयान सामने आया, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और आवाज भी सुन सकते हैं आप, किस तरह से गोलीबारी हो रही है, हर तरफ युद्ध की जो गूंज है वो लोगों को डरा रही है, गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते हैं। गुहार कर रहा है, तो वहीं पुतिन का बड़ा बयान भी सामने आया है, उन्होंने सेना से, यूक्रेन की सेना से कहा है कि सत्ता अपने हाथ में ले, यानी कि सेना का राज हो, राष्ट्रपति के हाथ से राज चला जाए। तो आखिर सवाल कई उठ रहे हैं कि वजह क्या है इस तरह के बयान की, क्या राष्ट्रपति और सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं पुतिन? कई बड़े सवाल उठ रहे हैं इस युद्ध के बीच। तो लगातार बैठक हो रही है और
शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश भी करी जा रही है। और अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, वो चाहे पुतिन के हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति के, कई बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होता है ये वक्त बताएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।